अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल आपको बताया था हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ये भाई, ठीक है, और उसको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, वो पिछले ब्लॉग में भी आया हुआ है, ठीक है, जब हम सिंगर से मिलने गए थे। तो ये भी अजीम भाई भी साथ हैं, ठीक है। तो आपको बताए थे हम आए थे इधर महफिल पर, ठीक है, इनके जो मुर्शिद हैं ना, अजीम भाई के मुर्शिद हैं जो, ठीक है, तो उनके ना पीर साहब की महफिल है, ठीक है। तो सारे हम उधर आए हुए हैं महफिल पे, तो आपको महफिल भी दिखाएंगे। तो अभी तक तो हम बस उठे हैं, ठीक है, नाश्ता वगैरह किया है, ठीक है। तो गलियों में तो उठे की गलियों में बालाघाटी करनी शुरू कर दी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक टाइम शॉर्ट है, ठीक है। तो बारह बजे महफिल का स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इसलिए तो नवीद भाई एक शेर ही सुना दें, छोटा सा सुबह सुबह का टाइम है। माँ की दुआ जन्नत की हवा, एक शेर ही सुना दें। माँ की दुआ जन्नत की हवा, नहीं ये वाला नहीं, मोहम्मद बख्श का सुना दें, मियाँ साहब का। राधे राधे हर कोई आँखें, अते मैं भी आँखां राधे, वाह 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 वाह, बिन मुर्शिद तेनू हो रा नहीं मिलसी, अते रुल मरसे विच राधे। सुभान अल्लाह, ठीक है। नवीद भाई ये भी नात खवां है, ठीक है। तो इस भाई का भी मैं नंबर ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, अगर आपने इनसे रब्ता करना हो तो इनसे इनके कनेक्ट पे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई आप वैसे डिमांड में कुछ करते हो ना, हमारी डिमांड तो कोई नहीं है, आप कहीं पे भी बुलाएंगे, ये नवीद, ठीक है, और अजीम आएंगे, ठीक है। आपने बस मेरा तारुफ करवाना है कि मैंने यूट्यूब पे, ठीक है, बट्टी व्लॉग्स चैनल पे वीडियो देखी थी, ठीक है। तो ये भाई पैसे नहीं मांगेंगे आपसे, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बस अब जा रहे हैं भाई दुकान की तरफ, ठीक है, जैसे दुकान पहुँचते हैं तो फिर आपको मिलते हैं। तो मेरे बट्टी व्लॉग्स को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन पहुँचे कि अगर आपको पता चल जाए कि वीडियो आ रही है, ठीक है। तो वीडियो मेरी पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो अजीम भाई आप भी एक शेर सुना ही दें फिर। जनाब वो धूप में चल के सुनाते हैं, मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है? हाँ बहुत ज़्यादा। सच्ची लग रही है आपको? पता ना फिर मैं राजपूत खोखर होता हूँ। ओहो राजपूत है भाई, राजपूत कौन से राजपूत हो? खोखर के राजपूत तुम देने होते हैं? होते हैं मैंने तो नहीं सुना। ये मैं आपको धूप में जाके बताता हूँ कौन होते हैं। मैं धूप में जाके बताता हूँ कौन होते हैं। धूप में जाके मैं फ्रेश हूँ। इन्होंने खुद बनाए। अजीम भाई आप लोगों ने खुद बनाए? यस, ये हमारी अपनी जात है। अच्छा, तो साथ में कोई और जात भी ऐड कर ले? नहीं बस यही है, राजपूत और खोखर दो हो गई है ना। एक यही मेरा तारुफ है बस, यही राजपूत खोखर हूँ। चाचा तू बड़ा चुप चुप पे, तो खैर है तेन सिगरेट पी रहे हैं। चाचा स्मोकिंग कर रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं बोल रहे। ये जी सामने पहाड़ी है, ठीक है, कटिंग हुई हुई है, ठीक है, क्योंकि मोहल्ला है ना साथ, तो इसकी कटिंग की हुई है। इसको ठंड बड़ी शदीद ठंड, चकवान मैं कहना इन्नी को ठंड थी ना, ठीक है, तेरी सोच होनी है। मैं तो तेनू पता गेट तक खलो के आया तो सुबहान अल्लाह, ठंड तो वैसे नहीं घबराई दा, लेकिन जी इस टाइम की ठंड ना उन्हें तो घबराई दा। किंदे तो जी इस टाइम ठंड है, ये खान साहब देखे माशाल्लाह चादर लेके खड़े हैं, ये देखे मुझे कुछ नहीं होता, ये मेरी आदत हो गई है, ये मैं ऐसे चादर लेके रखता हूँ। कोई आदत नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सर्दी लग रही है, ठीक है, इसको सर्दी लग रही ये राजपूत खोखर है। हाँ ये राजपूत खोखर है, राजपूत खोखर होते हैं ये, जो नवीद कादरी साहब है ना, ये मलक मरासी होते हैं। कहाँ से लगते हैं ये? देखे हर चीज से लगते हैं,
इनकी ऐनक देख ले साइड पे लिखा है मलक, इधर से देखें मरासी जैसे ये नवीद भाई जैसे पीर सैयद वकार हैदर शाह साहब आपको जैसे देखते हैं ना, ये किसे कहते हैं ये देखो मुझे चामा डाल रहा है नवीद भाई ऐसे ही है। लड़का मुस्कुराना शुरू हो गया, वो उसका दिल भर माही आ रहा है ना। क्या आ रहा है? दिल भर माही, दिल भर जानी आ रहा है। यही बात है, सही है, ऐसी बात है। हैं? नहीं नहीं, हम तो सैयदों के नौकर, सैयदों से बहुत प्यार करते हैं। चलो आज आज पता चल जाएगा ना, दिल भर आ रहा है जानी आ रहा है। हाँ सही है कि नहीं है? अजीम भाई क्या खिला रहे हैं अब? क्या खाना चाहते हैं आप? जो आप खिला रहे जूते खिला। जूते खाए जाते हैं, खिलाए नहीं जाते। हाँ तो मोबाइल पे मसरूफ हो गए साढ़े वाल तक। जनाब हुजूर हुक्म करें। की खवा रहे हो? सुने फिर ये खा लें। खा लिए बाहर की तरफ आओ ना, फिर मैं दसना की गल पता की है। उन्हें पुत्र जा नहीं जाता, उन्होंने छाड़ी आई फिर घर। उन्होंने छाड़ रहे ना, फिर आप फिर चलेंगे बाहर। की ख्याल है? चाचा ने कोई बोल जावे तो कल्ला भेजिए। चाचा इधर, तेन छाड़े आइए, तेन छाड़े आइए कार। नहीं मैं चल जाऊंगा, चल जा अजी बारो आइए। सोच ला मैं फिर बाद में पता चले। नहीं नहीं हैं ठीक है, अजी हम जाइए। हां जाओ चलो, पता लग जाएगा रास्ता। हां जी लग जाएगा पता, क्यों नहीं लगेगा पता। वेटिंग हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ माशाल्लाह मेरे बड़े भाई मोहसिन कादरी साहब और नवीद कादरी साहब भी हैं, और मोहसिन भाई आगे सब कुछ बताएंगे जो भी बताया है। जी खड़े खड़े इरादा बना था ठीक है फैसल मस्जिद जाने का, ठीक है अजीम भाई चले फिर फैसल मस्जिद। जी क्यों नहीं भाई। हाँ नवीद भाई चले फैसल मस्जिद। नवीद भाई फैसल मस्जिद चले। जी चलें चलें। चलो मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ ठीक है ऊपर पे, तो चलते हैं फिर ठीक है। तो कोई मसला वगैरह तो नहीं आया, कुछ पूछ ले भाई बाद में, वो इतराज ना करो। नहीं नहीं हमने फ़ोन करके बता दिया, वो कहते जी घूम आए। चलो ठीक हो गया। चलो जी फिर चलते हैं आपको। तो जी गाड़ी को मंगवाया क्योंकि गाड़ी आ चुकी है ठीक है, तो फिर आप चलते हैं ठीक है। तो आपको भी दिखाएँगे, विज़िट करवाएँगे ठीक है। तो माशाल्लाह जी गाड़ी आ गई है, तो फिर चलते हैं फैसल मस्जिद की तरफ ठीक है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी आप निकलते हैं ठीक है, तो वापस भी आना, महफिल भी पढ़नी है आगे वापस ठीक है। तो जल्दी जल्दी ना हो के आते हैं फिर। तो जी गाड़ी में बैठ चुके हैं ठीक है, अब जा रहे हैं फैसल मस्जिद की तरफ। रजीम भाई जी जी क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ आपको। हाँ नवीद भाई, नवीद भाई को बहुत कुछ महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं ये। ओए जालम तो अब जा रहे हैं ठीक है, तो फिर आपको फैसल मस्जिद ही मिलते हैं। तो जी हम इस्लामाबाद की सड़कों पे हम फैसल मस्जिद पहुँच चुके हैं ठीक है। पीछे आप देख ही रहे होंगे फैसल मस्जिद, और उसके पीछे आप जो सी पहाड़ी देख रहे हैं ठीक है, ये है मरगला की पहाड़ी ठीक है। तो अजीम भाई को मैंने कहा है कि चलें पहाड़ी पर, तो कहता नहीं पहाड़ी पे नहीं जाना यार, टाइम बहुत शॉर्ट है, वापस जाना ठीक है। तो कहता बस विज़िट करेंगे फैसल मस्जिद का ठीक है, और वापस चलेंगे। और वो हमारा दोस्त एक देखें वो क्या जलील हो रहा है, जलील हो रहा है, जलील प्रोग्राम ठीक है। तो चलते हैं फिर अंदर, अंदर चलते हैं फिर विज़िट करवाते हैं आपको भी ठीक है। आप हमारे साथ रहिएगा ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल बटी व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर देना आपने ठीक है। और ये जो उनसे मैंने कैब डाली हुई है ना ठीक है, ये मैंने इस वजह से डाली हुई है क्योंकि मेरे जो से बाल है ना ठीक है वो सारे बिखरे हुए हैं। वैसे ही बैठे बैठे ज़ेन बना के ऐनक ले ले। तो क्या ऐनक एक ले ले अच्छी वाली ऐनक? हाँ ओह माय गॉड, ड्राइव करनी है ना जाते हुए गाड़ी की, तो इसी वजह से। तो जी फ्रेंड ने ऐनक लेने का इरादा किया, तो ऐनक देखते हैं। शीशे भी सिर्फ चेक करनी पड़ी। हां शीशे भी सिर्फ चेक करनी, सारे सी की तस्वीर लानी है। तस्वीर नहीं लानी, कह रहे हैं चेक करनी है। अजी तानू क्या तस्वीर लानी है?
बेटा सही नहीं आ रही ऐसा शीशा दे दे वाइट में दिखाओ जैसे पहले दिखाई ना इसमें थोड़ी सी बड़ी दिखाओ है? तो जी फैसल मस्जिद में आ चुके हैं ठीक है और भाई एंजॉय कर रहे हैं फुल ठीक है तो आपको दिखाएं ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ठीक है ये हम साइड पे होके वीडियो बना रहे हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे फैमिली ठीक है और कपल वगैरह आए हुए हैं ठीक है तो बंदा अच्छा नहीं लगता ठीक है और ऊपर से मैंने पहनी भी टोपी नबीद भाई ने भी पहनी है नबीद भाई ने इसे पूछा किसकी ली आपने कैब क्या लेना कहता टोपी लेनी है मैं सुबह सुबह ही देखे इसके काम देखे मैंने कहा कैब होता है कैब गलत बात नहीं मैंने की गलत बात नहीं की आपको भी पता है मैं नहीं कोई शरीफ नमाजी प्रेमी बच्चा हूँ बहुत अच्छा बच्चा इंतहाई बसीट माँ का बच्चा है और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो ना सच में टोपी लेने आया था ठीक है तो आप लोगों ने गलत माइंड नहीं यूज करना नाज़रीन अब आपको दिखाते हैं फैसल मस्जिद आए मोहसिन भाई आए तो चलते हैं फिर फैसल मस्जिद की तरफ साइड पे आए ठीक है तो अच्छी अच्छी पिक्स उतारते हैं यहाँ पे ठीक है जो थंबनेल पे हमने लगानी है ठीक है तो छोटा सा ये व्लॉग होगा ठीक है क्योंकि रात को मैंने व्लॉग बनाना था ठीक है उसकी वजह ये है कि बैटरी लो थी ठीक है तो लोग नहीं बना सका कोई बात नहीं ठीक है अब तो मैं फुल करके आया हूँ ना मोहसिन भाई दिखाए नाजरी क्या सारी मस्जिद आप इस तरफ कर लें हाँ ऐसे जी देखें माशाल्लाह सारा देखें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इधर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर एक को ऐसा नज़ारा दिखाए बेशक ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ फैसल मस्जिद जी मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ फैसल मस्जिद फर्स्ट टाइम आए हैं ठीक है तो वैसे हम अमरी भी गया हूँ मैं ठीक है और आगे भी थोड़ा सा गया हूँ वो उसका नेम नहीं आ रहा यार जगह का अच्छा मोहसिन भाई एक बात करूँ मैं आपने अभी कहा ना मरी गया हूँ किस पे मरी गए हैं गाड़ी पे मैं पूछ रहा हूँ किस पे मरी गए हैं गाड़ी पे कौन सी वाली पठानी पे मरी गए वो ना दूसरी बस थी नहीं एसी वाली बस होती फैसल मोवर और नाम हाँ फैसल मोवर तो जाती नहीं वहाँ अच्छा उधर जाके उधर जाके आपको क्या महसूस हुआ मैं किस जगह पे आ गया मरी वाह 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 सुभान अल्लाह यही महसूस होता है वहाँ पे क्या अच्छा उधर जब आप गए थे तो आपको सर्दी लगी थी कि नहीं लगी थी सर्दी हाँ शदीद अच्छा इधर आके आपको कैसा लग रहा है सर्दी लग रही है कि नहीं लगी पाँव फिलहाल वो फुल ठंडे हैं ठीक है तो जो सा चेहरा और जिसम वो गर्म सही हो गया बस ये पूछना था आपसे पूछ लिया बाकी हाँ पहाड़ी भाइयों को दिखाई है मैंने हाँ इधर से दिखाएं इधर से ये वो, सामने बड़ी पहाड़ी दिखाएं वो कह रहे ये छोटी है थोड़ी सी बड़ी दिखाएं बड़ी वो वाली दिखाएं बड़ी वाली ठीक है नहीं वो भी छोटी है वो कहते हैं केटू वाली दिखा के आए हमें केटू वाली भी रात को चलेंगे महफिल से फ्री होके ना टाइम नहीं है अब महफिल पढ़नी है महफिल पढ़ के ठीक है अब हमारी जो ट्रेन की टिकट बुक की है ना हमने ठीक है वो 6 बजे की है शाम को ठीक है तो हमने वापस रवाना होना है अब लाहौर की तरफ ठीक है ये जो मैं छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा ना ठीक है ये फैसल मूवर ये फैसल मस्जिद के मतलब के हमारा है तो जो सा ट्रैवल का ना वो लहदा मैं व्लॉग बनाऊंगा तो इंशाल्लाह अब आखिरी व्लॉग बनेगा पीरू मुर्शिद के साथ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी लाहौर जाके अल्लाह पाक आपको सलामत रखे अस्सलाम वालेकुम और अजीम भाई तो चले गए हैं ठीक है मैं ही रह गया हूँ आपके लिए बस अब ठीक है तो वो तो मैंने रहना है ठीक है सारी ज़िंदगी के लिए क्योंकि प्लेटफॉर्म ही इस तरह का है रहना तो पड़ता है फिर तो जी हम वापस आ चुके हैं ठीक है तो कॉल आनी शुरू हो फिर साहब की आ रही थी कि आ जाएं जल्दी ठीक है तो मैं फिर स्टार्ट होने लगी है तो हम जल्दी वापस आ गए तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल बट्टी व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।